2 साल लिव इन में रहने के बाद रश्मि और अंश को अब लगने लगा था कि वे सिर्फ एक दूसरे को झेल रहे हैं। अब उनके बीच पहले जैसा कुछ नहीं बचा। दोनों ने माना कि रिश्ते ज़्यादा खराब हों इससे पहले दोनों को अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने यह फैसला मनपसंद कैफे में अपनी पसंदीदा ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए किया और यह तय किया कि जिस तरह उन्होंने अपने मिलने को सेलिब्रेट किया था उसी तरह अपने बिछड़ने को भी सेलिब्रेट करेंगे। और हाँ, उसके बाद वे दोनों कभी एक पल के लिए भी एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे। आज उनके रिश्ते का अंतिम दिन था। दोनों ने शाम को मिलने का फैसला किया था। अंत को समय और जगह के बारे में रश्मि को जानकारी देनी थी जहाँ वे अपने बिछड़ने के इस पल को सेलिब्रेट करने वाले थे। अंत आज देर तक सोया रहा। नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। मतलब यह है कि आज रश्मि उसे जगाने नहीं आई थी। हर रोज़ उसकी सुबह उसकी पसंदीदा कॉफ़ी के साथ रश्मि की बाहों में होती। रश्मि को उसे जगाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। वो उसके सिर के पास बैठकर उसके बालों में उंगलियां घुमाती, उसके होंठों पर अपने नरम होंठ रख देती, हौले से किस कर लेती, फिर गालों पर हल्की थपकी देती। धीरे धीरे अंश नींद की दुनिया से बाहर आता और खुद को सिकोड़ता हुआ उसकी बाहों में समा जाता और फिर रश्मि उसके हाथों में काफ़ी थमा देती। वो काफ़ी पीते हुए रश्मि को निहारने लगता और रश्मि अक्सर इस वक्त असहज हो जाती। हल्की अंगड़ाई लेकर वो नीचे उतरी। बदन टूट रहा था। ओह, तो जाने से पहले मैडम ने एक काफ़ी तक नहीं पूछा। अंश ने खुद से हल्की अंगड़ाई लेकर वो नीचे उतरा। बदन टूट रहा था, लॉन तक गया। रश्मि, रश्मि की 2 बार आवाज़ लगाई। शायद रश्मि जा चुकी है, उसने खुद से कहा। ड्रेस होने के बाद अंश भी ऑफिस के लिए निकल गया। लंच टाइम में उसने रश्मि को फ़ोन किया और बताया कि दोनों शाम हजरतगंज में मिलेंगे। कुछ देर वहां गुजारने के बाद वे मरीन ड्राइव चले जाएंगे, जहां गपशप करेंगे, फिर लौटकर रूम पर केक काटेंगे और फिर रात 12 बजे एक दूसरे से हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे। अंश ने मोबाइल पर ही यह शिकायत भी की कि उसने अंतिम दिन सुबह काफ़ी क्यों नहीं दी। उसे और मुआवजे के बतौर रात में जाने से पहले रश्मि उसकी पसंदीदा काफ़ी अंतिम बार उसके लिए बनाएगी। ये भी तय कार्यक्रम में पूरे हक से अंश ने जोड़ दिया। रश्मि ने उसे बदमाश कहा और शाम को मिलते हैं बोलकर फ़ोन कट कर दिया। आज उसका दिल नहीं लग रहा था। रात की हसीन यादें दिल में थीं। अंश का आज दिल नहीं लग रहा था। वह ऑफिस में 2 बार अपने बॉस से डांट खा चुका था। उसने रश्मि को फोन पर इसकी जानकारी दी तो रश्मि तेज से हंस पड़ी, इतनी तेज कि उसके ऑफिस में भी उसे डांट पड़ गई। हुआ है कि उसी समय उसके बॉस सामने वाले केबिन से निकल रहे थे। रश्मि ने कुछ देर बाद ये बात अंश को फ़ोन पर बताई तो अंश ने कहा, एक तो तुम अलग हो रही हो और मेरी नौकरी भी लेकर ही मानोगी। अगर मैं दोबारा हंसा तो मेरी नौकरी तो गई। फिर दोनों हंस पड़े। अंश को लग रहा था कि सिर्फ उसका ही मन नहीं लग रहा है बल्कि उधर तो रश्मि का भी यही हाल था। दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल चैट शुरू कर दिया। आज अंश को रश्मि से बहुत कुछ पूछना था। वो चैट पर सवाल किए जा रहा था। रश्मि को तो मानो मौका ही मिल गया। उसने मैसेज डाला, अच्छा तो अलग होने के दिन इतने सारे सवाल, 2 साल में तो कुछ नहीं पूछा मुझसे। अंश ने जवाब भेजा, तुमने मौका ही कहाँ दिया। रश्मि ने मैसेज में चुटकी ली। हाथों में हाथ डाले चांद को निहारते रहे दोनों। शाम को दोनों हसरतगंज में मिले। दूधिया रोशनी में खुले आसमान के नीचे एक दूजे की बाहों में बाहें डाले वे लवलेन में घूमते रहे। अंश ने पुरानी बातें याद करने की कोशिश की तो रश्मि ने उसे उन बातों को दोबारा याद ना दिलाने की हिदायत दी। रश्मि ने कहा कि अब वे रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं और पुरानी बातें ताज़ा करने से दुख ज़्यादा होगा और वो फिलहाल दुखी नहीं होना चाहते। फिर दोनों मरीन ड्राइव पहुँचे और एक कोने में जा बैठे। आज पूर्णिमा की रात थी, आसमान में चांद पूरा था। दोनों हाथों में हाथ डाले उस पूरे चांद को निहारते रहे। रश्मि ने अंश से कहा, सुनो अंश। अंश ना जाने किस दुनिया में खोया था। रश्मि ने दोबारा थोड़ी तेज आवाज में बोला, सुनो अंश। इस आवाज के साथ अंश अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। हाँ बोलो। चांद आज बेहद खूबसूरत है ना, रश्मि ने पूछा।
अंश को वो खूबसूरत पल चाहिए था जिसमें शायद वो खामोशी को तोड़ना चाह रही थी, या शायद उसे यही पूछना था। अंश ने एक बार चांद को देखा और फिर रश्मि की तरफ। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम नहीं सुधरोगे, रश्मि ने हमेशा की तरह ये वाक्य जोड़ दिया। हाँ मैं नहीं सुधरूंगा, अंश ने भी हर बार की तरह इसे दोहराया और दोनों हंस पड़े। अच्छा सुनो, ये चांद कभी आधा और कभी पूरा क्यों होता है? क्या ये अच्छा ना हो कि या तो आधा ही रहे या फिर पूरा? अंश इस सवाल का जवाब देना चाहता था, बल्कि वो चाह रहा था कि रश्मि कोई ऐसा सवाल करे जिसके जवाब में वो अपने दिल की सारी बातें उसके सामने रख दे, जिसका अब तक उसे मौका नहीं मिल पाया था। और आज उस खूबसूरत चांद के जिक्र के जरिए वो मौका अंश को मिल गया था। रश्मि से बोलकर अंश उसकी आंखों में देखने लगा और फिर दोनों अपने साथ के अंतिम दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हसरतगंज में मिले। लवलेन में घूमते हुए मरीन ड्राइव पहुंचे और एक कोने में बैठ गए। आज पूर्णिमा की रात थी, चांद चमक रहा था। चांद को निहारते हुए रश्मि ने वो सवाल कर दिया था जिसका जवाब शायद काफी दिनों से अंश देना चाहता था। अंश ने रश्मि की आंखों में देखते हुए जवाब देना शुरू किया। रश्मि, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, कितने खुश थे हम? रश्मि ने हाँ में जवाब दिया और साथ में बोल पड़ी, पर तुम उन बातों में क्यों ले जा रहे हो? मेरा सवाल अलग है। अंश बोल पड़ा, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ रश्मि, तुम सुनती ही नहीं हो। रश्मि ने कहा, अच्छा बाबा बताओ, पर ज्यादा घुमाओ नहीं। आंखों में आंसू थे, पछतावा था, सब कुछ बदल गया था। ओके, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तो हमने कसमें खाई थी कि हम हमेशा साथ साथ रहेंगे, पर आज क्या हो रहा है? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, इसमें खुशी और गम, मिलना और बिछड़ना दोनों लगा रहता है। मतलब कुछ भी एक सा नहीं रहता। अगर सब एक सा ही रहता तो आज हम बिछड़ते ही क्यों, है ना रश्मि? रश्मि कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी, वो बस सुने जा रही थी, अंश को निहारे जा रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई थीं। अंश का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था। अब दोनों रूम की तरफ साथ में रात बिताने पर चल पड़े। रश्मि ने उसे बीच में ही रोक दिया, अंश क्या हम अब एक दूसरे को अलविदा कह सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? अभी तो केक भी काटने का प्लान था। नहीं, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। पर क्यों अंश, प्लीज जिद ना करो, समझो मैं फिर कमज़ोर पड़ जाऊंगी, बल्कि कमज़ोर पड़ने लगी हूँ, पर अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती, तुमसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है? तो मेरा साथ दो अंश, अंत प्लीज इस बात को यहीं रोक दो और मुझे हक करो और जाने की इजाज़त दो। हमारे साथ का सफ़र शायद यहीं तक था। अंत कुछ देर के लिए खामोश हो गया। वो रश्मि को कुछ देर उदासी भरी निगाहों से निहारता रहा। रश्मि नज़रें नीची गड़ाए अपने अंगूठे से जमीन पर कुछ बनाती रही। कुछ देर बाद खामोशी तोड़ते हुए अंश ने कहा, इट्स ओके, तो रूम पर चलें? अंश प्लीज तुम चले जाओ। नहीं अंश, आज और यहीं से हमें अपना सफ़र अलग करना होगा। तो चलो छोड़ देता हूँ तुम्हें, पर रात के 10 बजे हैं, कहाँ जाओगी? इस समय तुम, मेरी दोस्त यहीं पास में रहती है, मैं उसे बुला लेती हूँ, ठीक है? मैं उसके आने का इंतज़ार करता हूँ और यहीं रुक जाता हूँ। नहीं अंश प्लीज तुम जाओ। अंश उसे और दुखी नहीं करना चाहता था, उसने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। अंश चला गया। अंश बहुत तसल्ली से रश्मि के सवाल का जवाब देना शुरू करता है, बल्कि वह इस सवाल के बहाने रिश्ते को दोबारा पा लेने की कोशिश करता है, पर शायद रश्मि अभी इसके लिए तैयार ही नहीं है। वह जिद करती है कि अंश अब जवाब देना बंद कर दे और उसे जाने दे, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, प्लीज समझो। अंश को जाते देख रश्मि की आंखें छलछला आईं। वह अपनी जबान खोलती है, शायद वो अंश को आवाज़ देना चाहती है, पर आवाज़ जबान के भीतर ही कहीं दबकर रह जाती है, वह बाहर नहीं निकलती। अंश जैसे ही कार स्टार्ट करता है, रश्मि तेज तेज रोने लगती है। अंश उसके सामने से चला गया, वो उसे रोक क्यों नहीं पाई। वो दौड़ पड़ती है बदहवास कुछ दूर, फिर अचानक रुक जाती है, खुद को थोड़ा संभालती है। ये मैं क्या कर रही हूँ, पर मैं अंश को क्यों जाने दे रही हूँ? नहीं, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरे नहीं हमारे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगी, समझो वो गलती से, मैं सब ठीक कर दूंगी। वह मन में बड़बड़ाती है। वह अपना मोबाइल निकालती है और सबसे ऊपर जो नंबर दिखता है वह डायल कर देती है। उधर से अंश की आवाज़ आती है, हाँ रश्मि बोलो,
कहाँ तक पहुँचे हो अंत? बस अपनी गली में हूँ, मतलब घर तक नहीं पहुँचे हो ना? नहीं बताओ। अंत से एक बात बोलूँ? हाँ बोलो। मैं चाहती हूँ एक चांद यूं ही पूरा रहे, पर चाहने से क्या होता है रश्मि, बहुत कुछ होता है अंत। मैं समझा नहीं। वो दौड़कर उससे लिपट गई, चूमने लगी और फिर, तुम समझ रहे हो अंत, तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो, मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुनना चाहते थे और जिसके लिए तुम मुझे इतना सब समझा रहे थे। रश्मि का गला रुंध आया था, वो ज़्यादा बोल नहीं पाई, फ़ोन पर फपक पड़ी और उसने फ़ोन काट दिया। अचानक चेहरे पर कोई तेज रोशनी पड़ी, सामने उसकी फेवरेट कार खड़ी थी और उसका ड्राइवर गेट और अपनी बाहें खोले उसका इंतजार कर रहा था। वो दौड़ी और उससे लिपट गई, चूमने लगी। पूरे चांद के नीचे उनका अधूरा होता रिश्ता फिर से पूरा हो गया था। दोनों ने ऊपर देखा, चांद को फ्लाइंग किस भेजी, एक दूसरे को किस किया और निकल पड़े नए सफ़र पर। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।